अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड बेटर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वेलकम टू द मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। माय नेम इज मिस उज़्मा ज़ैदी। दिस इज माय 18th वीडियो। In this video, I will start lesson 6, parts of a plant, reading and explanation, page number 39 and 40. This is your inspiring science textbook. Lesson 6, parts ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के हिस्से। ओके स्टूडेंट्स, ओपन साइंस बुक एंड कम टू द पेज नंबर 39। फर्स्ट आई रीड द पैराग्राफ, देन आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ओके, देयर आर मैनी डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। Some plants are big, some are small. Some plants have many branches, some do not have branches at all. Their leaves have different shapes. Their flowers and fruits are different. There are many differences in their appearance, but there are also many similarities. हमारे आसपास बहुत से पौधे हैं। कुछ प्लांट्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। कुछ प्लांट्स की बहुत सी शाखें होती हैं, कुछ की ब्रांचेस बिल्कुल नहीं होती हैं। इनके लीव्स की शक्ल मुख्तलिफ होती है, इनके फूल और फल मुख्तलिफ हैं। इनकी ज़ाहिरी शक्ल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन बहुत सी सिमिलरिटीज़ भी हैं। ओके, Look at the picture. Look at the picture. Most plants we see around us have roots, stems, leaves, flowers, and fruits. These are the important parts of a plant. Each part has a different work to do. All these parts work together and help the plant to survive. ज़्यादातर पौधों को जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उनकी जड़ें, तने, लीव्स, फूल और फल होते हैं। ये एक प्लांट के अहम हिस्से हैं। हर हिस्से के करने के मुख्तलिफ काम हैं। ये सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और प्लांट को जिंदा रहने में मदद देते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। Now students, come to the page number 40. Let us look at the different parts of a plant. A plant has two main parts, the root and the shoot. The part of the plant which grows under the ground is called the root. आइए एक प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को देखें। एक प्लांट के दो अहम हिस्से होते हैं, जड़ और शूट। प्लांट का हिस्सा जो जमीन के नीचे उगता है, रूट कहलाता है। लुक एट द पिक्चर, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। द शूट हैज स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर बढ़ता है, शूट कहलाता है। शूट में स्टेम्स, शाखे, लीव्स,
बर्ड्स, फूल और फल हैं। लुक एट द पिक्चर। पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम। रूट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट। द टैप रूट हैज अ मेन रूट एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट। टैप रूट्स आर लॉन्ग एंड स्टडी। बीन्स, हाइबिस्कस एंड टोमेटो प्लांट्स हैव टैप रूट्स। जड़े। रूट्स की दो टाइप्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट की एक बुनियादी जड़ होती है और बहुत सारी छोटी जड़ें इससे ग्रो करती हैं। टैप रूट की जड़ें लंबी और मजबूत होती हैं। बीन्स, हाइबिस्कस और टोमेटो के पौधों की टैप रूट्स होती हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर। टैप रूट, फाइब्रस रूट। दिस इज टैप रूट। लुक एट द पिक्चर। बीन्स प्लांट, हाइबिस्कस प्लांट, टोमेटो प्लांट्स, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट आर अ बंच ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक रूट्स विच ग्रो इन टू द सॉइल। कॉर्न, वीट एंड राइस प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट। फाइब्रस की जड़ें स्मॉल रूट्स का ग्रुप हैं। रूट्स धागे की तरह होती हैं जो मिट्टी में उगती हैं। कॉर्न, राइस, वीट पौधों की फाइब्रस रूट होती हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर। फाइब्रस रूट। कॉर्न प्लांट्स, वीट प्लांट्स, राइस प्लांट्स, importance of root. Roots fix the plant to the soil. They also absorb water and nutrients from the soil. Some roots store food prepared by the plant, for example radish, carrot and turnip. Roots की अहमियत। जड़े पौधे को मिट्टी में फिक्स कर देती हैं। ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब भी करती हैं। कुछ रूट्स पौधों के जरिए तैयार करदा फूड जखीरा करती हैं, फॉर एग्जांपल गाजर, मूली और शलजम। लुक एट द पिक्चर। इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट। लुक एट द पिक्चर। रेडिश, कैरेट and turnip. Look at the picture. Storage roots. This is your homework. Read lesson 6, parts of a plant, page number 39 and 40. My 19th video will come soon. In my 19th video, I will start lesson 6, page number 41, 42 and 43 from science book. Take care. Allah Hafiz. Good luck, students.